आइए बैठिए सर, बैठिए। सुना है आप बड़े ईमानदार हैं, मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। आपकी दो बेटियाँ भी हैं ना? पुलिस वाले हैं तो क्या हुआ, दहेज तो देना ही पड़ेगा ना। जो दहेज न मांगे वैसा ही लड़का ढूंढूंगा। वाह वाह, एकदम उसूलों वाले हैं आप। बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक बात बताइए, इतनी कम तनख्वाह में शहर में गुजारा करना तो बड़ा ही मुश्किल काम है। लगता है आपके पिताजी काफी माल छोड़ गए। मेरे पिताजी मेरे लिए सिर्फ उसूल छोड़ गए। बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं IPS बनकर, और अब यही मेरी जायदाद है। जिस कंस्ट्रक्शन के केस में हम फंसे उसमें थोड़ी रियायत मिल जाती तो। एक्सक्यूज मी राठौर साहब, अगर आपने उस केस के सिलसिले में मुझे यहाँ खाने पर बुलाया है तब तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। अरे रे, आप तो गलत समझ बैठे, खाना खाइए ना। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अगर एक महीने के लिए टाल देते हैं तो मिनिस्टर जी तो बड़े आदमी हैं सर आप। राठौर साहब, माना कि मिनिस्टर साहब बहुत शरीफ आदमी दिखते हैं, लेकिन उस शरीफ मुखौटे के पीछे एक बहुत ही काला इंसान छुपा बैठा है। उसने आज तक जितने मर्डर्स किए हैं, जितने काले धंधों के अड्डे खोल रखे हैं, उन सभी के काले चिट्ठे मेरे पास मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके साथ जितने भी लोग शामिल हैं उन सबको भी मैं हथकड़ी पहनाऊंगा। हाथ कहाँ धोने? आइए आइए मैं बताती हूँ। एसीपी चक्कर खाकर नीचे गिर गया है, इसे जल्दी से अस्पताल ले जाओ। बहुत भाषण दे रहा था कमीना, अब हमेशा के लिए चुप हो गया। मेरे हाथों मौत लिखी थी साले की। अरे भांजे, ये घर है कि महल? क्या चकाचक है। सही कहा मामा। ए, किधर जाता तुम लोग? किसको मिलने का तुझे? अरे विक्की से मिलना है। हमें विक्रम राठौड़ से मिलना है। वो अभी घर पे नहीं है, जाओ जाओ बाद में आने का। अरे बहुत दूर से आए हम। तो मैं क्या कर सकता है? लगता है ऐसे नहीं समझेगा। नहीं समझेगा तो भांजे एक काम करते, अंदर चल के इंतजार करते जब आएंगे। रुक 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 रुक, कहाँ जा रहे हैं तुम लोग? जो गाँव से आता है मोटी खोपड़ी लेके आता है क्या? एक बार बोला ना वो घर पे नहीं है। चल अभी निकल। आदमी है, देख मुझे हाथ मत लगा। अरे तू मामा, अरे छोड़ूंगा नहीं इसको। अरे तू बोला ना, निकल चल जा यहां से। ये ले पकड़, इसे हाथ में, बस इसे पकड़ के रख, तुझे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। दबा इसे, दबा। डर मत, डर मत, कुछ नहीं होगा तुझे। देखा मैंने कहा था ना ठीक हो जाएगा। कौन है बे तू? मैं जोशपुरा से भैरव, मुझे बड़ी हवेली वाले ठाकुर साहब ने भेजा है, बोले राठौर साहब से मिल लो। सुनो इसे साहब के पास ले जाओ। जी जाओ। ठीक है। जी कहिए। गले में शंख क्यों लटका रखा है? ये मेरी माँ ने मुझे दिया। ये तो नजर से बचाने के लिए बच्चों के गले में बांधते हैं, तू क्यों लटका कर घूम रहा है? मेरे गांव में सबसे सुंदर मैं ही हूँ, मेरी माँ ने कहा बाहर जा रहा है कहीं नजर ना लग जाए इसलिए पहन ले। नजर लगेगी। हाँ फिर वो भी तुझे। जा मेरा दिमाग मत खराब कर। मालकिन जी रुकिए, सुनिए 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 सुनिए। अब क्या है? ये साड़ी कितने की होगी? तुझे क्या करना है? मुझे मेरी माँ के लिए खरीदनी है। पूरे 15,000 की है। साड़ी खरीदेगा? अरे 15,000 की साड़ी है? अरे 15,00,000 की हो चाहे मैं खरीदूंगा माँ के लिए। शहर आते ही पर लग गए। अरे दरवाजा खोलिए भाई। हाँ साहब। बैठ के मुंह देखते रहेंगे, दरवाजा नहीं खोला जाता नहीं है। सुबह से काहे पीछे पड़े हुए आप हमारे, कहाँ साइन करवाना है बताइए, लाइए। अरे सर। अरे हो गया साइन, लेके जाइए। ये क्या कर रहे हैं साहब? ए, तुम मुंह बंद रखो, सुबह सुबह चले आता है साइन करने के लिए, बिना पैसा के हम साइन कर दे क्या? तू जाता नहीं है, चले जाओ यहाँ से। दिमाग खराब कर देते हैं। अब उनको देखिए ना, कारखाना खोल के बैठे यहाँ लकड़ी का। अरे आदमी काटने का कारखाना खोलिए, उन सबको उठा के लाइए, हम सबको रेतते हैं यहाँ पे, रेत रेत के, रेत रेत के, रेत रेत के। जितना लोग हमारे खिलाफ खड़ा है ना, उस सब लोग को यहाँ पर लाकर उनके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। बस इस सफेद सूती कपड़ा हम काहे के लिए पहने हैं, कुछ भी न करते पूर्वक कहीं का। चलो सर, कुछ ना होने वाला है, लोग से सब नामर्द लोग बैठा है। काला मंत्री जी, आदमी है तुम,
आदमी है तुम? अरे तुम आदमी नहीं है, आदमी काटने का मशीन है, समझा? मंत्री जी ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? हा? अरे इतना बड़ा कांड कर दिया और पूछ रहे हम क्या कर दिए हैं? अरे हमारे अंडर में एक तो ईमानदार ऑफिसर था, उसको भी तुम खत्म कर दिया। ऐसा वैसा ऑफिसर था, टीवी न्यूज पेपर हर जगह उसी का चर्चा था और तुम उसी को मार दिया रे। अरे ऐसा क्या कर दिया था शरीफ आदमी? अरे मैंने उसे नहीं मारा, उसे चक्कर आ गया, पैर फिसल कर ऊपर से गिर गया वो। छोटा सा बच्चा था बेचारा, तुम्हारा छत पे चढ़ गया और तुम्हारे बस मम्मी पापा करके वहाँ छत से कूद गया और नीचे आके गिर गया है। हमको बेवकूफ बनाता है। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैंने ही उसे मारा। हाँ? तो क्या? अरे बाप रे बाप, तुम आदमी है कि शैतान है? आदमी को भी लकड़ी समझता है? इतना बड़ा कारखाना खोला है आदमी को रेत रेत के मारने के लिए, कानून तुमको छोड़ेगा क्या? वो सब संभालना तुम्हारा काम है ना? क्या बात बोले हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। अपोजिशन का बॉल संभालने के लिए तो हम ही खड़े हैं ना बैट्समैन। अरे पेपर में न्यूज में हर जगह बस यही चर्चा है, पत्रकार लोग हमारा घर के आगे पीछे घूम घूम के परेशान कर दिया, हमको नींद उड़ा दिया है हमारा। अरे क्या किया था कि तुम उसको खत्म कर दिया? रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में 250 करोड़ का जो घोटाला हुआ था, उसकी पूरी जानकारी थी उस बुड्ढे के पास। कौन सा मिल था? रिपोर्ट में तुम्हारा भी नाम था। हमारा भी नाम शामिल था का? इतना हिम्मत किया बुड्ढा? हमको यही बताओ कि पढ़ा लिखा लोग बेअकल का है होता है? इनको अपने लिए, बाल बच्चे के लिए, परिवार के लिए खुशी नहीं चाहिए होता है का? ये लोग इतना कम उम्र में शहीद काहे हो जाता है? ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग का देश आगे कैसे बढ़ेगा, प्रगति कैसे करेगा? हम है ना? अरे वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा लोग भी तो चाहिए ना फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। का है तो विशेष आपका फोन? हाँ ला, बढ़िया खबर है। अरे कमिश्नर बोलो क्या हुआ? अच्छा ए बकलोल, तू क्या कर रहा, जाओ यहाँ से। जी सर। तुमको नहीं बोल रहे, तुम बोलो। क्या बोले? अरे तुमको बोले है जाने के लिए, हजार तो जाता का नहीं। अच्छा सर। अरे तुमको नहीं बोल रहे, तुम अपना बात बोलो। हाँ क्या है? क्या हुआ? ओ फिसल के गिर गया। अरे बहुत बुरा हुआ। अरे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हाँ रटोड़वा, अरे मिर्गी पड़ा था उसको, हम तो ऐसा ही तुमको इतना डांटती है रे। ए मंत्री, उसकी कुर्सी अपने ही आदमी को मिलनी चाहिए। अरे वो आदमी फिर हमारा खिलाफ हो गया तो? अरे ना ना ना, एकदम ना, भूल जाओ। देखो ये जो था ना, ये थोड़ा टेढ़ा नस्ल का था, लेकिन अब जो हम चुन के लाएंगे ना, वो ऊंचा नस्ल का होगा, समझ गया ना? वो जो होगा ना, खाली हमारे बात सुनेगा और केहू के ना सुनेगा, समझ गया ना? टेंशन मतलब, अब हम चलते हैं। अरे राठौड़वा, दो चार गो को तो जिंदा रहने दो ना भाई, चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो ताली के बजाएगा। ऐसा मत करना, एकदम में मत करना, किसी को मत छोड़ना। ए, सुन रहे, यहाँ पे ला के सबको रेतो, सबको काट दो। अरे मेरी जबान पत्थर की लकीर है, एक मिनट। क्या बे? मालकिन ने भेजा है सर, आपके गांव का है। जी मुझे बड़ी हवेली वाले ठाकुर साहब ने भेजा है। कोई भी काम कर लेगा तू? हाँ मालिक, जो भी काम आता है वो तो फटाफट कर लूंगा, और जो नहीं आता वो फटाफट सीख के कर लूंगा। कौन सा काम अच्छे से करता है? काटना जानता हूँ मैं, काटना। चाकू छुरी देख के डर तो नहीं लगता? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, बच्चे खिलौने से खेलते थे और मैं चाकू छुरी से खेलता था। उठते ही मैं अपने कोयते को ढूंढता हूँ, और बिना कुछ काटे तो मैं खाना तक नहीं खाता मालिक। जोशपुरा का बच्चा बच्चा जानता है, अगर भैरव काटने पे आ गया ना तो उसे काटने से कोई रोक नहीं सकता मालिक। अपने औजार तेज किए बिना मैं रात को सोता भी नहीं हूँ। आप बस एक बार मुझे मौका दे दीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बात बहुत करता है तू, कुछ काट के बता सकता है? अभी मेरे सामने मालिक, कोई भी पेड़ कटवा के देख लो मुझसे, ऐसे पेड़ काटूंगा कि आप अच्छी अच्छी मशीनें भूल जाएंगे। काम देखकर औजार तय करता हूँ मैं, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ती और काम हो जाता है। क्यों मामा? अरे मालिक, हमारा तो खानदानी पेशा ही काटना है। आप मेरे भांजे को जानते नहीं हो, तीन खासियत है इसकी, सूरज उगने से पहले जगना, औजार बना के उनकी धार तेज करके जब ये गाँव में निकलता है ना तो पूरा गाँव इसके आगे झुक के नमस्कार करता है। हंसलो हंसलो, लेकिन इससे इसकी सच्चाई नहीं बदलने वाली है। मैंने इसे पाल पोस के बड़ा किया है, अपना निवाला तक खिलाया, 60 रोटी खा जाता था, ये बाल्टी भर के दूध पी जाता था। ज्यादा बोल दिया क्या? ठीक है अब यहीं से काम शुरू कर दो। इधर क्यों बे?
यहाँ काम नहीं कर सकता क्या? अभी तो आए हैं, थोड़ा आराम तो करो। नहीं, मेरे मामा जी का कहने का मतलब है कि कल अच्छा दिन है, तो अगर कल से काम शुरू करेंगे तो काम अच्छा होगा। भाई लड़का सही कह रहा है, इसको फैक्ट्री शेड में टिका देते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है, यही फैक्ट्री शेड में रहेगा तू, लेकिन काम कल से शुरू हो जाना चाहिए। वो मैं ये कह रहा था कि इसके चक्कर में मेरा इंट्रोडक्शन तो रह गया। बता दूं क्या, वो क्या है ना, मेरा नाम बंसी लाल है, बंसी बजाने में एक्सपर्ट। उठा अपनी पोटले। आज तो मजा ही आ गया। वाओ। वाओ। हे। चलो फिर से ट्राई करते हैं। ओके। वाओ। हे। बिफोर यू फिल इट अप विद लेड। वाओ। हे। बिफोर यू फिल इट अप विद लेड। हाय डैड। संतोष। किधर है बेटा तू? स्वर्ग में अप्सराओं के साथ संतुष्ट हूँ डैड। अरे तू हमेशा संतुष्ट रहे, इसीलिए तेरा नाम संतोष रखा है मैंने। आपके दिए हुए नाम को सार्थक करने के लिए पैदा हुआ हूँ डैड। बस मिनका का वेट कर रहा हूँ। ऐश करो, खूब ऐश करो, दुनिया के सारे सुख तेरे कदमों के तले होंगे बेटा। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, जोर से हाथ चलाना, उठा हथौड़ा मार पलट के, देखे औजार जमाना। जोर से हाथ चलाना। आहा, क्या बनाया है? जियो भांजे जियो। पावितस्तले गले वलम्य लंबिदाम्बुजंग तुंग मालिका। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शंभू, जय शिव शंकर, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय हो, जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू, जय भोले भंडारी, जय कैलाशपति, इसके साथ मुझ पर भी कृपा बरसाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भोलेनाथ, घर छोड़कर शहर आ गया हूँ माँ का सपना पूरा करने। बस इतना मांगता हूँ कि अपनी कृपा बनाए रखना, मैं तो कोई कमी नहीं रखूंगा, बस इतना कहता हूँ कि अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तुझे तो राजकुमारी ही मिलेगी। माफ कीजिएगा, वो टीका मामा जी को लगाना था, गलती से आपको लगा दिया। तीन चार पांच, अरे क्या सोच रहा है उसके बारे में? उससे ब्याह करने का इरादा है। अच्छा है, सोचने के पैसे थोड़ी लगते हैं। लेकिन एक बात बता दो, तुझे तभी मिलेगी छोकरी जब होगी रोटी और नौकरी। चली गई। बेटा राजकुमार है, तुझे तो राजकुमारी ही मिलेगी।